गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। और आज है मेरी ट्रेनिंग का डे वन। एक्चुअली हमारा एनुअल रेकरेंट होता है, तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बात की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग है क्योंकि हर साल में एक बार हमारा वापस एग्ज़ाम होता है, वापस मेडिकल्स और वापस सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊँगी। और चलो अब जाते हैं, पहले कैब मेरी वेट कर रही है वरना मैं लेट हो जाऊँगी, और धीरे धीरे आपको चीज़ें बताऊँगी। तो बस अभी लंच ब्रेक हुआ है और सब खाना खाने चले गए। मैं खाना खा के आई थी कॉफ़ी लेने, बट कॉफ़ी मशीन बंद पड़ी हुई है। बहुत नींद आ रही है एक्चुअली, इतने टाइम बाद लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आप सबको अपनी जर्नी बताने के लिए, पर ये है कि थोड़ा लेक्चर्स से फ्री हो जाऊँ और घर पहुँच जाऊँ तो मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊँ। और बहुत कुछ हुआ, रोलर कोस्टर राइड थी मेरी कैबिन क्रू जर्नी। एंड आई वॉन्ट यू ऑल कि आप देखें और सुने मेरी स्टोरी मेरी ही जुबानी। तो जिस वक्त आप सोच लेते हो कि आपको कुछ बनना है, उसी वक्त आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और आप उसके लिए मेहनत तो करने लगते हो। सेम मेरे लिए भी वही था। फाइनली घर पहुंच गई हूँ। आज जल्दी छोड़ दिया हमें क्योंकि जल्दी हो गया था, वरना टाइमिंग्स आर 9:30 to 5:30 PM, पर आज 4 बजे छोड़ दिया तो थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। तो फटाफट ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और इसमें मैं थोड़े बिट्स भी डालूंगी जहाँ पे मेरे जो क्लोज वंस है वो आपको बताएंगे कि ये मेरी जर्नी उनके पर्सपेक्टिव से कैसी रही है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली ऑफ विंजल, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द ट्रैवल शी डज। बट ये स्टोरी आपकी जाननी बहुत ज़रूरी है, मुझे बड़ी खुशी होती है। आई लव 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 द फैक्ट दैट शी इज़ फाइनली शूटिंग हर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ एयर होस्टेस। मैं और ट्विंकल एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। एंड हमारे स्कूल टाइम पे एक कल्चर एक ट्रेंड आया था जिसमें हम स्लैम बुक्स फील करते थे एक दूसरे फ्रेंड्स की और लिखते थे कि क्या बनना चाहते हैं, उसको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं, एवरीथिंग। तो मेरे स्लैम बुक में ट्विंकल ने क्लियरली मेंशन किया था दैट शी वांट्स टू फ्लाई इन द स्काई, एंड शी फाइनली यस बिकेम अ एयर होस्टेस। शी रोट कि मुझे एयर होस्टेस बनना है व्हेन आई ग्रो अप, एंड शी बिकेम वन। तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम। चल ट्विंकल, अब तू सच ही बता दे सबको कि तू कैसे इतने संघर्ष और इतने एक्साइटमेंट और इतने फन से तू पहुंची है जहाँ तू है अभी। वी आर ऑल्सो टू एक्साइटेड टू नो योर जर्नी, सो शो अस। हाय ट्विंकल, ये वीडियो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। और तो मुझे मालूम है तुमने जैसे मुझे बताया था कि जब तुम 8वीं क्लास में थी तो तभी तुमने डिसाइड कर लिया था तुम्हें कैबिन क्रू बनना है। और मैं बता दूँ, मतलब मैंने बचपन से जितने भी बच्चे देखे हैं, मतलब जिन जिनने जो जो स्कूल में डिसाइड किया था वो कोई नहीं बना। मतलब ऐसी जब अपने से नॉर्मली पूछा था तो बोलते थे डॉक्टर इंजीनियर पायलट वगैरह ये सब बन जाएंगे, लेकिन तुमने तब भी सोच लिया था कि स्कूल में कि तुमको कैबिन क्रू बनना है और तुमने बन के दिखाया। और पहला जॉब लगा था इंडिगो में, तुम बहुत खुश हुई थी और लॉकडाउन लग गया, फिर तुम्हें इंडिगो को छोड़ना पड़ा, फिर लॉकडाउन के बाद भी तुमने कितनी कोशिश की, फिर एयर इंडिया में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ फाइनली। एंड आई नो हाउ मच एयरलाइन इज इम्पोर्टेंट टू यू। मतलब जैसे तुम पहली बार प्लेन देख के खुश होते थे, वैसे तुम मतलब तुम इतने साल से काम कर रहे हो, तुम अभी भी प्लेन्स को देख के तुम उतने ही खुश होते हो। तुम्हारा ड्रीम था इंटरनेशनल ट्रैवल करना, वो भी तुमने मोस्ट ऑफ द कंट्री में कर दिया भाई, यूएस वीजा लेके बैठी हो 10 साल का, क्या बात कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम अपनी जॉब से कितना प्यार करती हो, तुम उतना ही प्यार करते हो जितना तुम्हारी मम्मी और बहन से, पर अब मुझसे भी। तो मैंने देखा है तुम्हारी जब भी तुमको कोई अच्छी डेस्टिनेशन मिलती तुम कितना खुश हो जाती हो जब भी कोई तुम्हारी सीनियर्स तारीफ करता है, और या तुमको पैसेंजर्स तुमको पहचान जाते हैं कि तुम्हारा ब्लॉग देखे आर यू ट्विंकल, तो तुम मुझे जाके पूरा स्टोरी बताते। पता है आज वो पैसेंजर ने मुझे पहचाना मेरे ब्लॉग से कि वो मेरे ब्लॉग देखती थी। तो बस मैं यही बीइंग अ कैबिन क्रू कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब खुद की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, फेस का ध्यान रखना पड़ता है अपना, कि कोई विजिबल मार्क्स ना हो, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो। अगर हेल्थ में भी कुछ गड़बड़ हुई तो घर पे बिठा दिया जाता है कैबिन क्रू को। अभी इंटरनेशनल फ्लाई करती हो, 10-10, 12-12 घंटे की फ्लाइट करती हो, कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। मतलब तुम बताती तुम्हारे पैर टूट जाते, तुम्हारे पैर दुख जाते हैं, फिर जाके तुमको 2 दिन का ले ओवर मिलता, तुम्हारे पास मौका होता है, लेकिन अब मैं समझता कि थकान इतनी होती है कि वो सोने में पूरा निकल जाता होगा। कभी कभी तुम घूम पाती हो क्योंकि बाहर से लोगों को देखने में अच्छा लगता है, अच्छा ये लंदन जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, मस्त घूम रही होगी, लेकिन मुझे मालूम है ऐसा नहीं है। मतलब इतना थक जाते केबिन क्रू लोग और वो लोग बहुत काम करते हैं। और कुछ कुछ मैंने पैसेंजर्स भी देखे हैं, मतलब जब मैं फ्लाई करता था कि वो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं फ्लाइट को
बोर्ड करने से पहले केबिन क्रू को किन किन प्रोसेस से जाना पड़ता है, मतलब सारी डिटेल चेक करो, पेपर साइन करो, तैयारी करो, डिटेल्स लिखो, फिर उसके बाद पैसेंजर जाने के बाद भी सारा ये पेपर वर्क करो, बहुत सारा प्रोसेस होता है आई नो। एंड मैं बस मैं यही कहना चाहूंगा भाई, जो भी तुम कर रही हो करती रहो, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, एंड योर फैमिली विल ऑलवेज प्राउड ऑफ यू, एंड मेरे घर वाले भी भाई प्राउड फील करते कि उनकी बहू केबिन क्रू है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, जैसा कर रही हो वैसे करती रहो, अपने करियर में ग्रोथ लाती रहो, आगे बढ़ते रहो, और डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करो, और मेहनत करो, खूब सारा पैसा कमाओ। ट्विंकल की आगे की जर्नी आप सुनना उसकी जुबानी। देख बहुत लंबा हो गया ट्विंकल, पहले ही बोल रहा हूँ, 6:30 पहुंच गया, इसको काटती हूँ, ठीक है, बाय। तो ये मेरे घर की विंडो स्पेस है, यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ। तो कभी किसी को अपनी ऐसी जर्नी नहीं बताई है, तो अभी ऐसे लग रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। सो फर्स्टली जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई थी जब 8th स्टैंडर्ड में मैंने फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट से ट्रैवल किया था। मेरी मॉम ने मेरी विश पूरी की थी, मैं जा रही थी मुंबई से लखनऊ, किंगफिशर की फ़्लाइट थी, और मुझे अभी भी प्रिसाइजली याद है, जो मेरी एक कैबिन क्रू थी वो थी, उसका नाम निधि था, और वो बहुत सुंदर रेड कलर की यूनिफॉर्म में लंबी सी थी, और मैं इतनी खुश हुई थी उसे देखकर कि यार ये कितनी सुंदर है। और मुझे तभी पता नहीं था ये प्रोफेशन का नाम क्या होता है, मतलब एयर होस्टेस ये भी नहीं पता था। तो मुझे ऐसा था कि ये जो काम कर रही है मुझे यही करना है, मुझे भी ऐसे सुंदर सुंदर बनना है। और फिर मैंने हर जगह, मतलब जहाँ भी, मतलब स्लैम बुक होती थी तो मेरे फ्रेंड्स के स्लैम बुक्स में भी मैं अपना प्रोफेशन करियर की क्या बनना है उसमें मैं एयर हॉस्टेस लिख देती थी गूगल सर्च वर्च करके। तब मुझे पता चला था कि एयर हॉस्टेस करके कुछ वर्ड होता है, कुछ प्रोफेशन होता है। फिर मैंने सोचा चलो इसी करियर में कुछ करेंगे, इसी प्रोफेशन में हम कुछ करेंगे। तो मैंने 10th किया, फिर 11th, 12th, फिर 12th में जब 12th के बाद मैंने सॉरी 12th में जब मैंने 11th 12th मैंने जब कॉमर्स किया तो मैंने सोचा कि नहीं यार, क्या कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस बनूंगी, CS कर लेती हूँ, ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी। तो उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स ले लिया, और फिर भाई साहब कंपनी सेक्रेटरी के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, फिर भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था 12th में, मुझे कुछ 71-72% आए थे। उसके बाद मैंने लिया जर्नलिज्म, क्योंकि फिर मेरा मन हट गया कि अब मुझे नहीं करना CS, अब मैं कुछ और देख लूंगी। तो मैंने मास मीडिया लिया क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद था, मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने BMM ले लिया। अब BMM में मैंने जर्नलिज्म लिया एज अ मेजर सब्जेक्ट, और वहाँ पे ना हमें एक प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे कि, तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था रेडियो जॉकी का कि तुम्हें सेम रेडियो जॉकी जैसा गाना बोलना सब कुछ करना है, और उस पर मार्क्स थे। तो मैंने जब बनाया तो मेरी टीचर बहुत बहुत खुश हो गई थी, मतलब उनको इतना पसंद आया था कि जिस तरह मैंने प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, क्या मैं कोई सीरियस थी नहीं, पर मैंने ना ऐसी मस्ती में BIG FM जो आता है, BIG FM करके चैनल है, 98.5 BIG FM ऐसा कुछ है, वहाँ पे मैंने बस मेल कर दिया मेरा वो प्रोजेक्ट कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए या इंटरव्यू के लिए बुला लो अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उससे कि वो कोई रिवर्ट भी आएगा, बट लकीली रिवर्ट आया, और मैं खुश हो गई कि भाई मतलब हो सकता है कुछ, मतलब मैं रेडियो जॉकी भी बन सकती हूँ। मुझे इतना, फिर मैं रेडियो जॉकी के पीछे थी कि यार ठीक है रेडियो जॉकी कर लेंगे, अच्छा ही है, रोज सुबह सुबह सबको अपनी आवाज़ सुनाऊंगी मैं, गुड मॉर्निंग मुंबई आज की, ऐसे करके, ठीक है। तो ये गुड मॉर्निंग मुंबई भी आपने सुना होगा, मुन्ना भाई MBBS नहीं लगे रहो मुन्ना भाई में, उसकी वो जो हीरोइन होती है वो ऐसे बोलती है गुड मॉर्निंग मुंबई। तो बस फिर मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैं इंटरव्यू के लिए भी नहीं गई, और फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं। फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ कि आई वॉज बैक जहाँ पे, मतलब मैंने सोचा था कि मुझे कैबिन क्रू एयर होस्टेस बनना है, मैं फिर वहीं पे आ गई थी। और पता नहीं कैसे आई, मतलब क्या स्ट्राइक किया, मुझे ऐसा था कि यार चाइल्डहुड ड्रीम है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। और फिर आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज उस टाइम पे, मतलब इतने कुछ फ्रेंड्स नहीं थे मेरे, सॉरी लोकेशन चेंज हो गया क्योंकि मेरी मॉम आ गई और फिर मुझे बेडरूम में आना पड़ा। एनीवेज तो मैं ना अब मेरे पिछले क्लिप के बाद, अभी इस क्लिप के बाद मेरे बिफोर आफ्टर पिक्चर्स डाल दूंगी, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं 8th स्टैंडर्ड में कैसी थी, उसके बाद 12th में मैंने कैसे सोचा एंड ऑल ऑफ दैट। तो थोड़ा
ट्रांजिशन वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझेगा कि क्या चेंजेस आए हुए हैं. और हाँ, तो आप वो देख लीजिए, फिर हम बैक टू स्टोरी आएंगे. लास्ट में एंड किया था कि मैं बैड केस पे थी. ठीक है, और बैड फेस ऐसे मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं. और ऊपर से मेरी जो फैमिली है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है. ठीक है, मैं आई बिलोंग फ्रॉम अ यूपी फैमिली, और आपको पता होगा यूपी फैमिली में ऐसा होता है कि लड़की बड़ी हुई नहीं कि शादी की बातें चालू हो जाती कि इसकी शादी करवाओ एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं लास्ट ईयर में थी और मम्मी इतना प्रेशराइज करती, शी वॉज लाइक अब जॉब करो, आई मीन जॉब लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे. और मैंने बोला कि ठीक है, गिव मी अ चांस, मेरा ग्रेजुएशन होने दो और उसके बाद मैं इंटरव्यूज़ दूंगी, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ठीक है आप करवा देना. और ये बात थी 2017. तो मेरा फिर मैंने ना बीच में ऐसे बहुत ऐसे इंटरव्यूज़ दिए, वो प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ थे. ठीक है, और मैंने फिर इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, जो कि मेरी गलती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं यार, मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था, और जो करता था इस फील्ड में जॉब वो मेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं था जो मेरी हेल्प करे. मैंने मैसेज किया था पर उन्होंने रीड ही नहीं किया, इसीलिए आज मुझे कोई भी अननोन भी मैसेज कर देता है या कॉमेंट्स में पूछ लेता है तो मैं बहुत अच्छे से हेल्प करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कितना लॉस हो गया उस चक्कर में. और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो कि अच्छा ही था कि ठीक है चलो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई थी, मुझे यहाँ से बाहर लेके गए थे ट्रेनिंग के लिए. और वो ट्रेनिंग करके फिर मैंने इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए ऐसे मैं जाती थी, देखती थी कि ठीक है चलो देखते हैं इंटरव्यूज़ होते कैसे. तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो गया था, पर मुझे होल्ड पे रख दिया था. तो मैं खुश थी कि यार ठीक है होल्ड पे रखा है मतलब आएगा ना मैसेज तो, बट नहीं आया. मतलब रिजेक्शन नहीं था, रिजेक्शन वो लोग स्ट्रेट अवे मना कर रहे थे पर होल्ड पे रख दे रहे थे मुझे. फिर सेकेंड इंटरव्यू दिया, फिर से होल्ड पे. थर्ड इंटरव्यू दिया, फिर से होल्ड पे. फोर्थ दिया था मैंने कतर में, पर मेरी हाइट के वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया था. और फिर मैंने क्या किया, हाँ फिर वापस, फिर मुझे गुस्सा आने लगा कि ये क्या हो रहा है, बार बार होल्ड पे रख देते हैं, या तो सीधा रिजेक्ट कर दो, मना कर दो, या तो बोल दो जो है. पर ठीक है, फिर मैंने अपने आप को एक महीना दिया कि ट्विंकल फोकस ऑन योर सेल्फ, ईट, गेन. और गेन करने के लिए भाई साहब मैंने जो मेहनत करी, तो गेन करने के लिए जो मैंने मेहनत की है, रोज़ मैं 6-6 केला खाती थी, आई मीन आधा दर्जन केला खाती थी रोज़. मैं ये खाती थी, ब्राउनी खाती थी, क्योंकि मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला था कि थोड़ा तुम फैटी चीज़ें खाओ, तो मैंने वो सब खाना स्टार्ट किया था. आई गेन वेट अच्छा खासा. एंड देन 22nd of November मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हो गई. मैम वहाँ जाके बोल दिया कि आप लोग मुझे सिलेक्ट करते हो, बार बार होल्ड पे डाल देते हो. तो उसको समझ गया कि यार ये बंदी बेचारी बार बार आ रही है, लेकिन इसको हम होल्ड पे क्यों डाल रहे हैं. तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे ये फाइनल राउंड के लिए फॉर्म दे दिया था. फिर फाइनल राउंड था मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद, 27th को, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था. और सिलेक्शन भी ऐसे हुआ था, मैं सुबह 6:30 की गई हुई थी. मेरी आदत है, मैं कभी भी इंटरव्यूज़ के लिए जाती हूँ तो 9 बजे का टाइमिंग है, तो मैं हमेशा 2 घंटे पहले पहुँचती हूँ, ताकि मैं पहले रहूँ और फ्रेश में ही हो जाए और जल्दी मेरा हो जाए और मैं रिटर्न आ जाऊँ. और मुझे लगता है ये मेरी आदत ने ही मेरे जितने इंटरव्यूज़ है मेरा ईजी बनाया हुआ था. तो मैं 6:30 बजे पहुँच गई, 9:30 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और फिर मैं रात को 8:30 बजे वहाँ से फ्री हुई. और इतने टाइम में ना मैंने कुछ खाया था, सिर्फ पानी पे थी मैं, और मुझे ऐसे हो रहा था कि बस अब जाने दो. तो जब उन्होंने अनाउंस भी किया ना यू गाइस आर सिलेक्टेड, जो कि मुझे पता चल गया था कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे इतनी खुशी ही नहीं हो रही थी. उसने कहा था बस अब घर जाने दो, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है. तो घर आ गई, उसके बाद क्या, फिर सिलेक्शन हो गया. इंडिगो की जर्नी काफ़ी अच्छी थी, फिर इंडिगो की फ़ोटोज़ में डालूंगी, आप ज़रूर देखना. सबकी कहानी में ट्विस्ट होता है, और मेरी कहानी में ना हो ऐसा हो सकता है नहीं. तो हुआ ये कि इंडिगो में मैंने 3 ईयर्स काम किया और काफ़ी अच्छा चल रहा था. फिर आ गया कोविड. कोविड में सबकी जॉब जा रही थी, सब बीमार पड़ रहे थे, सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था, और मेरे साथ भी सेम केस था. तो ऐसे हुआ कि रिसेशन हुआ, और फिर दे सो माई कंपनी किक्ड मी आउट. और
फिर क्या, मतलब मैं बहुत रोई, मतलब कोई आपसे आपकी मेहनत छीन रहा है, आपके विंग्स जो आपने फर्स्ट विंग्स पहने थे, आपका यूनिफॉर्म, आपका बैग, एवरीथिंग सब वो रिटर्न करना पड़ता है। तो जब मैंने जिस दिन मुझे देना था उसके पहले दिन मैं इतना रोई थी रात में, मैं अभी तक वो दिन नहीं भूल सकती। मतलब मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि वो बहुत बहुत हर्टफुल होता है। सिर्फ विंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आप जनरली भी अगर किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो या फिर कोई चीज़ आपसे बहुत करीब होती है और आप चीज़ वो चीज़ खो देते हो तो बुरा तो लगता है। तो जस्ट अ सेकंड, फिर कोविड के टाइम पे फिर मेरी मम्मी का चालू हो गया था कि बेटा शादी करनी है, चलो शादी करो। और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं सेटल नहीं हूँ, मैं मेरा जॉब नहीं था, होके भी नहीं था जॉब बेसिकली। तो बस फिर घर पे बहुत ऐसी सिचुएशन चल रही थी रोज़, मतलब मम्मी से आर्ग्यूमेंट हो रहा था और बहुत बहुत ऐसा फेस कभी ना आए मैं तो मेरी लाइफ में। और फिर अनलॉक हुआ, क्योंकि दो साल कुछ चला कोविड, शायद दो या तीन साल। तो फर्स्ट ईयर तो देर वॉज नथिंग टू डू, अनलॉक ही नहीं था। सेकेंड ईयर हाफ वे शायद अनलॉक हुआ और मैंने एक नॉर्मल जॉब की। तो नॉर्मल जॉब में ऐसे हो रहा था कि वो लोग मेरा हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड को कंसिडर नहीं कर रहे थे, और मैं जहाँ पे अच्छी अमाउंट कमा रही थी, मैं अभी डायरेक्ट आ गई थी 10,000-15,000, पर फिर भी कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, शुरुआत तो करनी है तो मैंने कर ली। पर उसका वर्क एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब था, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं कहाँ आ गई हूँ। ये ऐसे चल रहा है, कुछ एकता कपूर की कोई सीरियल चल रही है, सब एक दूसरे के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, और ऐसा एनवायरनमेंट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो मैंने वो खुद से ही रिज़ाइन कर दिया। फिर मेरे फ्रेंड के थ्रू वाया मैंने फिर रियल इस्टेट में ज्वाइन किया, और वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं, मतलब उससे बेटर था एनवायरनमेंट, बट ठीक है अभी करना तो है ऐसा था। तो मैं जिस डेस्क पे बैठती थी बिल्कुल ऐसे सामने ना उस ऑफिस का मंदिर हुआ करता है, तो मैं रोज़ वो मंदिर को देख के ना ऐसे सोचती थी, यार मैं कहाँ गई हूँ, कब तक चलेगा, कब मैं वापस फ्लाई करूँगी कब। और वहाँ पे ऑफिस में सबको पता था कि मतलब मेरे लिए फ्लाइंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और सब बोलते थे ट्विंकल तू नहीं बनी यार कॉर्पोरेट के लिए, तू जा वापस इंटरव्यूज़ दे, और लेकिन इंटरव्यूज़ आ ही नहीं रहते। फिर क्या, 7 months मैंने वहाँ पे जॉब किया, और फिर मैंने 8 months फिर वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। और 1 महीने मैं फुल ऐसे थी कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि अनलॉक हो चुका था तो सारे एयरलाइंस अपने इंटरव्यूज़ लेके वापस आ रहे थे। तो मैंने गो एयर का इंटरव्यू दिया, और गो एयर का इंटरव्यू देते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। बहुत ही ईजी तरीके से उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड विथ इंडिगो। तो मेरा जो फाइनल राउंड था उसमें वो लोग पूछ रहे थे व्हाट आर योर हॉबीज़, और फिर दे स्टार्टेड चेकिंग माई इंस्टा अकाउंट। अब मैंने इंस्टा पे जितने भी कोविड के टाइम पे रील्स बनाए थे, दे वर स्क्रोलिंग डाउन देयर कि क्या रील्स बनाए हैं। फिर उन्होंने वो चेक किया कि क्या मैं स्केचेस करती हूँ, और मैं क्या शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, छोटे छोटे ऐसे टेल्स जैसे, और मतलब शायरी टाइप्स। तो उन्होंने वो देखा, एंड देन आई वॉज सेलेक्टेड। मैंने बोला ये कौन सा इंटरव्यू है जो मैंने कभी दिया नहीं। फिर भी आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, कुछ ना से बेहतर है कि गो एयर में ही कर लूँगी, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। मुझे ऐसा था कि मुझे लो कॉस्ट कैरियर से काम करके वापस ही लो कॉस्ट में नहीं आना था, और गो एयर का तभी सिचुएशन इतना भी अच्छा नहीं चल रहा था, और खबर आ रही थी कि इट माइट गो डाउन। बट बोलते ना, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे कि ठीक है अभी तो सिलेक्शन हो गया, नाइस अभी तो फ्लाई करेगी, बट मेरे मन से वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो होता है ना, जब आपकी चाह रहती है जहाँ पे और वो आपको ना मिले, भले ही वो दुनिया वालों की नज़र में कितना ही अच्छा हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वैसी ही सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ, और मेरे पास उसका मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल फॉर्म और सब कुछ, ज्वाइनिंग लेटर, सब कुछ था, पर मैंने सबमिट नहीं किया। मैंने भगवान को बोला, भगवान जी आप आने वाले 10-15 दिन में अगर कोई इंटरव्यू आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगी। और मैं इनको टालती रही कि मेरे पीरियड्स हैं, मैं अपना मेडिकल्स नहीं करवा सकती वरना ब्लड काउंट कम आएगा, ये है वो है, मैंने से उनको लटकाती रही मैं, विच इज़ नॉट गुड, आपको ये नहीं करना चाहिए, पर ये मेरी कहानी है तो मैं बता रही हूँ। और
फिर क्या, फिर मैं मम्मी के साथ गई कानपुर। तो वहाँ पे मम्मी ने एक्चुअली जागरण रखा हुआ था, मम्मी की मन्नत थी, और वो जागरण एंजॉय किया मैंने। अपने रिलेटिव्स के घर घूमी और फिर अचानक मेल आया। मुझे ध्यान आया था कि मैंने एयर इंडिया के लिए अप्लाई किया था, पर एयर इंडिया का जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो दिल्ली में हुआ था, तो उसके लिए मुझे रिवर्ट नहीं आया। और मैं ऐसे थी यार, सब एक्सपीरियंस क्रू को आ रहा है रिवर्ट, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग सिर्फ एक्सपीरियंस क्रू हायर कर रहे थे। तो दिल्ली में आपको याद होगा, अगर कोई इन सब की अपडेट रखता हो तो, कि तो जो ये सब चीज़ की अपडेट रखता होगा उसको याद होगा कि इतनी भीड़ थी वो वीडियो एयर इंडिया के इंटरव्यू की जो दिल्ली में हुआ था, कि वो वायरल हो गया था, कि लोग मतलब एक दूसरे पे गिर रहे हैं और लोगों को चोटें आ रही हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। पर मुझे उसके लिए इनवाइट ही नहीं आया, तो मैं बहुत उदास हो गई थी। बट फिर मैंने ऐसा सोचा कि और भी मौके आएंगे, विस्तारा का इंटरव्यू आएगा, मैं वो सब दे दूंगी, ठीक है। वंस यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, तुम्हें पता होता है कि तुम इंटरव्यू दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो मैंने गो एयर का इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका ज्वाइनिंग पेपर रख लिया। सेकेंड मैंने बैंक ऑफ अमेरिका के लिए इंटरव्यू दिया था, कि ठीक है कॉर्पोरेट का भी अगर स्टार्ट करूंगी मैं तो अच्छी जगह ही करूंगी, और वहां पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने उनको बोला आई नीड सम डेज, क्योंकि मैं अभी गांव जा रही हूँ तो मैं आके ज्वाइन कर लूंगी। वो भी मैंने स्टैंड बाय पे रखा हुआ था कि वी विल ट्राई आर लक द बेस्ट, मतलब एक लास्ट ट्राई होता है ना, कि देखेंगे भाई इससे बेस्ट क्या हो सकता है। फिर मैं बस जागरण हुआ, एक रात माता रानी की खूब भक्ति की, खूब गाने गाए, और फिर नेक्स्ट डे मुझे मेल आता है, हाय यू आर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू ऑफ एयर इंडिया दिस दैट। और वो 30 जून का टाइम था। 30 जून मेरे डैड का बर्थडे आता है, और उसी दिन इंटरव्यू था। मैं इतनी खुश थी कि मतलब डैड भी बता रहे थे कि आई एम देयर, ठीक है, मेरी मैं यहाँ पे हूँ नहीं, पर मेरी प्रेजेंस हमेशा है, मेरा आशीर्वाद हमेशा है। वो सोच के मैं इतनी खुश हो गई। और मैं 28 था, मैं कानपुर में ही थी, फटाफट मम्मी को बोला मम्मी टिकट निकालना है, जाना है। और फिर आ गई मैं मुंबई, मैंने इंटरव्यू दिया, ऑफकोर्स उसी दिन सिलेक्शन हो गया। और फिर जो टाटा एयर इंडिया का बैच 1 था, बैच 2 था, बैच 1 और 2 हमारा साथ में ही बैच बना था, तो आधे जन 25 लड़कियां यहाँ आ गई, 25 लड़कियां बैच 2 में आई, तो मैं बैच 2 में थी। और फिर क्या है, एयर इंडिया की जर्नी शुरू हुई, और मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मतलब भगवान से, यूनिवर्स से, अपने फैमिली वालों से, मतलब सबसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी खुश तो इंडिगो में भी नहीं थी जितनी मैं एयर इंडिया में ना। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, दोनों ही एयरलाइन अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, पर एज एन इंडिविजुअल और पर्सनली मैं जितनी खुश यहाँ पे हूँ उतनी मैं वहाँ नहीं थी। और जो सारे सपने मैंने देखे थे ऐसे क्रू की, मैं यहाँ घूमूंगी, वहाँ जाऊँगी, कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी मुझे, जो कि मैं अभी भी करती हूँ सेविंग्स के नाम पर, जो कि ज़रूरी है, ठीक है, सबको सेव करना चाहिए, तो वो सब अभी पूरे हो रहे हैं। मतलब जो मैं ऐसे 500-600 का भी अगर स्लिंग बैग ले लूँ तो मैं बहुत सोचती थी कि यार 600 रुपये का है, 700 रुपये का है, इतना सोचती थी मैं। और अब मैं ऐसे हाई एंड पर्सेस लेना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ ट्रीट टू माई सेल्फ, ठीक है, नॉट दैट कि मैं बहुत पैसे वेस्ट कर रही हूँ, बट आई नो, मतलब एक साल से मैं फ्लाई कर रही हूँ, 2 साल एयर इंडिया को ज्वाइन करके हो जाएंगे मुझे इस जून जुलाई में, और अब जाके मैंने एक पर्स लिया है, तो आई थिंक इतना तो मेरा बनता है हक कि मैं खुद को इतना ट्रीट दे सकूं। तो मैं आपको कुछ आई मीन दिस इज़ माय जर्नी गाइस, आई मीन मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहती थी हर एक चीज़ की, कि कैसे मैं इतना रोई हूँ, कितना सब रोते हैं, ठीक है, अपने चीज़ों को लेके, पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, और आप उसमें से बाहर कैसे आते हो वो आपको डिफाइन करता है। मुझे अभी भी गुस्सा आता है कभी कभी कि यार ये क्या सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है, ये क्या ऑड टाइमिंग्स है, बट एट दी एंड आई नो आई हाउ मच आई लव फ्लाइंग, और मेरे लाइफ में एरोप्लेन्स की क्या जगह है, फ्लाइंग की क्या जगह है, एविएशन की क्या जगह है। आज भी इतने 5 साल हो गए मुझे एविएशन में, पर आज भी अगर एक एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देख लूँ तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ कि
ऐसे एक्सप्रेशंस बन जाता है मेरा. और बस यही थी मेरी जर्नी. आपको और माइन्यूट डिटेल्स में देती, जैसे कि इस जॉब में जितना एफर्ट्स लगता है वो सब फर्स्ट हैंड सिर्फ की सिर्फ मेरी थी. मैं इसका क्रेडिट और किसी को दे ही नहीं सकती. आई मीन आई एम थैंकफुल कि जिसने मुझे सपोर्ट किया, जो भी मेरे आसपास था हमेशा, और अभी तो अंकित भी हैं, पहले मम्मी, ईशु, आई मीन मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ. पर जो मेहनत मेरी लगी है, मैं वो भी क्रेडिट खुद को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ. मैं खुद को क्रेडिट कभी नहीं देती. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब ना मेरा, मतलब मैं खुश होंगी तो इसके वजह से, उसके वजह से, ऐसे मैं सबको क्रेडिट दे दूंगी. बट नहीं, ये खुशी तो सिर्फ मेरी है, ये सक्सेस सिर्फ मेरा है, मेरी मेहनत है. और आप सबको भी अपनी मेहनत का श्रेय खुद को थोड़ा तो देना चाहिए, क्योंकि यार तुमने काफ़ी मेहनत की है. जो दुख से तुम गुजरते हो, जो जिन इतनी रातें जो तुम रोए हो. मैं लिटरली कोविड के टाइम पे, तो मुझे कोविड भी हो गया था, और उस टाइम पे भी मेरे रिलेटिव्स शादी कर रहे होते थे कि कब करें, कि मैं इतना कोविड के टाइम पे आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीद. और मैं उस टाइम पे रोती थी कि आई डोंट वॉन्ट दिस लाइफ. मतलब ऐसे ऐसे जब ख्याल आते थे सॉरी. लेकिन बहुत संभाला है फिर खुद को, और आज जितना हंसती हूँ और खुश होती हूँ खुद को देख के, सब क्रेडिट मेरा है. एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और मैं वो सारी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिमिट्स को पुश करो, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो. आई मीन लोग बोलेंगे, फैमिली बोलेगी, मतलब लिटरली तुम्हारे क्लोज फैमिली भी बोलेगी, सब कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा. लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो हमेशा हासिल करना, खूब मेहनत करना और स्मार्ट वर्क करना. और जो भी स्किल्स की कमी तुम्हें लगती है ना कि मुझ में ये कमी है, तो उस पर खुद ही वर्क करो. मतलब दुनिया तो तुम्हें ध्यान ही नहीं देगी. जैसे मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम पूछा था कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया. मैंने तो मैसेज भी किया तो मुझे रीड भी नहीं किया गया मेरा मैसेज, लिटरली. मतलब और मेरे वहाँ पे 2 लाख रुपए वेस्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट में ये एडमिशन ले लिया था, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है. और क्या, हाँ, कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ को पास कैसे करना है, और कैसे आप लोग क्रैक कर सकते हो, और क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है, एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एचआर क्या सोचता है, मैं वो सारे पॉइंट्स के साथ भी एक वीडियो बनाऊंगी. तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बता देना. अगर 4-5 लोग भी हो गए तो मैं बना दूंगी वो वीडियो, क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है कुछ कॉमेंट्स में, मतलब कुछ ब्लॉग में मेरे जो कॉमेंट्स आते हैं कि ठीक है आप अपनी क्रू जर्नी बताओ, कैबिन क्रू जर्नी बताओ. तो इंस्टाग्राम पे 1-2 ने बोला था, और यहाँ पे भी 1-2 ने ही बोला था. बट आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट माई कैबिन क्रू जर्नी, सो दिस इज इट. आई होप यू गाइज लाइक इट, और आपको पसंद आया हो. अगर थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि बस बहुत खुश हूँ मैं. और हाँ, आपको बता रही थी ना कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है. वो ऐसे होता है कि एविएशन में जो कैबिन क्रू की ड्यूटी होती है, आप द डे वन जो आप ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होता है, और आप फिर एयरक्राफ्ट में जाके अपना एक टेस्ट फ्लाइट करते हो, जिसको हम फेमिलराइजेशन फ्लाइट या फिर चेक फ्लाइट भी बोलते हैं. वो चेक फ्लाइट 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है. आप 12 मंथ्स के बाद आपको फिर से 3 दिन का कोर्स करना होता है, जिसमें जो आपको 6 महीने के ट्रेनिंग में बताया गया वो 3 दिन में रिफ्रेश करते हैं, एंड देन एग्जाम लेते हैं, और फिर फ्लाइट में वापस से एक चेक फ्लाइट होती है. तो मैंने मेरा चेक फ्लाइट पहले ही कर दिया था. अभी जब मैं मेलबर्न गई थी, आपने व्लॉग देखा होगा, और नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत अच्छा व्लॉग है. तो उसी फ्लाइट पर मैंने अपना चेक कर लिया था. अभी बस मुझे ये एग्ज़ाम देना है, और फिर आई विल बी गुड टू गो. और मार्च से फिर मेरी फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगी. वैसे रोस्टर आ चुका है, बट या तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. और कोशिश करूँगी, पक्का कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ. मुझे पता है मैं रेगुलर नहीं रह पाती, क्योंकि फ्लाइंग में नहीं हो पाता है. मतलब 3 डेस्टिनेशन है, एक लंदन, एक दुबई, एक मेलबर्न.
मैं आपको लंदन दो बार दिखा चुकी हूँ, मैं आपको दुबई दो बार दिखा चुकी हूँ, और अब मेलबर्न एक बार हो चुका है, दूसरी बार फिर जगह अगर तो मैं दिखा दूंगी, पर मैं तीन ही डेस्टिनेशन बार बार कितना दिखाऊंगी। तो वो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं पकाने लग पक रहा है अब, इतना कॉन्टेंट भी कितना ही दूँ लंदन का ही दुबई का ही। तो या धीरे धीरे मैं डेली व्लॉग्स पे आऊँगी, तो आई एम श्योर आप लोग को उतना एंटरटेन रख पाऊँगी जितना आप बाकी क्रिएटर्स से भी होते हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए बहुत, 18,000 पे ही अटकी है मेरी सब्सक्राइबर्स, तो थोड़ी फैमिली हम बढ़ाते हैं उसको। और ठीक है, बस बहुत ज़्यादा हो गया, बाय, आई लव यू।